Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Okay student, today is your lecture 9 of chemistry chapter number 2. In last lecture we discussed about Avogadro number, mole fraction and molecular mass formula mass. सही है, आप लोगों ने ये सब कुछ निकालना सीखा था कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, मोल कैसे निकालते हैं एंड एवोगैड्रो नंबर की नोटेशन मैंने बताई थी कि वो एनए से शो करते हैं और उसकी वैल्यू 6.02 × 10³ मॉलिक्यूल्स एटम्स और आइंस होते हैं. तो आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था. इन केमिस्ट्री लेक्चर 9 हम जो है यहाँ पे और कुछ प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल्स जो आपकी बुक में भी हैं वो डिस्कस कर रहे हैं. बेटा ये सारी जो एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये आप लोगों ने क्या अपने कॉपी में करनी है, क्योंकि ये सॉल्व तो ही नहीं है. तो आप लोगों को कोई मसला नहीं, लेके बेटा समझाना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये हुआ क्या है, कैसे हुआ है. इसलिए आप लोग मुझे पता देख के तो लिख लेंगे लेकिन समझना भी चाहिए ना, क्योंकि ये है वो एग्जाम्पल जो पेपर में बहुत आती है. ओके स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 2. लास्ट लाइक इन लास्ट लेक्चर वी विल डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 1. ओके इन प्रॉब्लम नंबर 2 कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. 9 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं. बेटा अगर मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं आप सब कुछ भूल जाएंगे, यहाँ आगे कुछ भी नहीं है. ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. बेटा मेरे पास मास दिया हुआ है, जी जो है ना मास होता है ग्राम. सही है, 9 ग्राम दे दिया मास हमें. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे काउंट करने हैं, मास और ये कार्बन डाइऑक्साइड का. अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल लूं तो मास को इससे डिवाइड करूंगी मॉलिक्यूलर मास से, तो मोल आ जाएगा, मॉलिक्यूल तो आ नहीं रहा है. तो इससे क्या क्लियर हो गया बेटा कि यहाँ पे मोल को तो फॉर्मूला लगना ही नहीं है. ठीक है, मोल का फॉर्मूला यही होता है ना, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास. तो बेटा यहाँ देखो सिर्फ पूछा हुआ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स अगर यहाँ लिखा हुआ होता ना तो तब तो मैं डायरेक्ट 9.44 से डिवाइड कर देती कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर मास से, तो मेरे पास मोल्स इजीली आ जाते. लेकिन यहाँ मसला है मॉलिक्यूल्स का, तो अब मुझे मजबूरन जंप करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर पर. ठीक है, एवोगैड्रो नंबर पर अब हमें पिक करना पड़ेगा कैसे. देखें 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम होता है. कैसे 44 ग्राम होता है बेटा, मैंने आपको बताया था कि दोनों के मोल एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास को ऐड कर देते हैं. कार्बन का 12 होता है यानी कि 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन देखिए ऑक्सीजन के नीचे 2 भी लिखा हुआ है, तो 16 × 2 = 32 होता है. अब दोनों प्लस हो रहे, 32 और 12 प्लस हो गया 44 ग्राम होता है, हो गया 44 ग्राम आ गया. इसकी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, ये आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि एलिमेंट्स की कुछ एटॉमिक मासेस आप लोगों को ना बेटा याद करने हैं. ठीक है, पेपर में आपको गिवन होंगे लेकिन आप लोगों को याद भी होने चाहिए. ओके अब अगर 1 मोल की मैं बात कर रही हूँ, 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.02 × 10³ मॉलिक्यूल्स, ये बात हमने पढ़ी थी. सही है, तो देखिए बेटा यहाँ क्या लिखा है, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होगा. जब बोल रहे ना बेटा 44 कार्बन डाइऑक्साइड में इतने मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद होते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं 1 लिखूँ 44 की जगह, तो 44 6.02 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में देख लीजिए बेटा, 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट, तो देखा बेटा 44 नीचे आके डिवाइड हो गया, मॉलिक्यूल्स ऐसे लिखा हुआ है. अब क्योंकि 1 ग्राम है, वो 1 ग्राम के लिए तो हमने निकाल लिया. ठीक है, अब सवाल में ही हमें दिया हुआ 9 ग्राम, तो अभी हमने पहले यूनिटरी मेथड अप्लाई करा. वो कहते हैं ना बेटा, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, आप गए मार्केट में, आपने ली 5 बिस्किट फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा 5 बिस्किट मिलते 50 के, तो आपने टोटल प्रॉफिट कितना दे दिया उनको, 50 रुपये दे दिया. लेकिन आपका एक सवाल ये भी होगा कि आप मुझे एक बिस्किट की रकम बताइए, तो वो कहेगा एक बिस्किट मेरे पास 10 रुपये का. तो बेटा वो एक बिस्किट क्या हुआ, यूनिटरी मेथड हुआ. इसी तरह से मैंने यहाँ पे 1 लिया है, 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, तो 9 ग्राम कितना होगा, क्योंकि सवाल में 9 ग्राम की बात की गई है 9 ग्राम की ना, तो 9 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल कंटेन. देखिए बेटा जी आपके पास पूरी चीज थी कितना, 6.02 × 10³ / 23/44 ग्राम के, तो ऐसे लिखा था 9 ग्राम को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से. कहते नहीं ये एक चीज अगर इतने की है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक चीज मेरे पास, एक बिस्किट मेरे पास 10 रुपये का आ रहा है, तो 5 बिस्किट मेरे पास कितने रुपये के आएंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी ना,
10 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 50 आ गया आंसर मेरे पास, वही मैंने कहा 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दी तो मेरे पास आंसर क्या आया 1.231 × 10²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मॉलिक्यूल्स बोल रही हूँ, एटम्स नहीं बोल रही, आई नहीं बोल रही, क्यों? क्योंकि दो एटम्स से कार्बन और ऑक्सीजन, दो एटम से मिलकर ऑक्सीजन बन रही। ओके आपके पास ये भी आ गया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे आप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर है एन ए मल्टीप्लाई मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय फार्मूला मास। इसका सवाल, इसका सॉरी फार्मूला, ये आपको याद करना पड़ेगा। एन ए की वैल्यू हमें पास पता होती है, मास की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, फार्मूला मास हम खुद निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट टाइम में देखिए, एन ए की वैल्यू मैंने नीचे लिख दी 6.02 × 10²³। मास ऑफ द सब्सटेंस आपको सवाल में दिया हुआ 9 ग्राम, ऊपर देखिए मैंने यहाँ लिख दिया 9 ग्राम। 44 ग्राम आपने यहाँ से निकाला था, 44 ग्राम, ठीक है। इन दोनों तीनों वैल्यूज को सॉल्व करा तो मेरे पास क्या आंसर आया 1.231 × 10²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्व किया, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसको 44 से डिवाइड कर दिया, तो बेटा यहाँ ये आ गया मेरा वो मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? अब देखिए बेटा दोनों के आंसर सेम है बेटा, क्योंकि अब ये तो प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल में तो उन्होंने हर तरीके से बोला हुआ कि आप ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। तो बेटा उन्होंने ये बोला है अगर आपको यूनिटरी मेथड अप्लाई करना हो ना, जो सिर्फ यहाँ तक है 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से लेके यहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड का भी, तो आप ये वाला यूनिटरी मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो बेटा। इजी ये भी है और इजी ये भी है। आप इसके लिए आप लोगों को बस फॉर्मूला याद करना है। अगर आप ऊपर वाला करना चाहो ऊपर वाले तरीके से कर लो, आप नीचे वाले तरीके से करना चाहो नीचे वाले तरीके से कर लो, आंसर तब भी सेम ही आएगा। क्लियर है बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके इन प्रॉब्लम नंबर 3 कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम। देखिए बेटा हमें मास कैलकुलेट करना है 1 एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम, कार्बन के एटम का, ठीक है, और वो ग्राम में ही आएगा। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो नंबर 1 मोल ऑफ कार्बन कितना होता है 12 ग्राम। बेटा ये बात हमें पता, और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? अब देखिए यहाँ एटम्स दिखा हुआ 6.02 × 10²³ एटम्स, अब ऊपर तो मॉलिक्यूल दिखा था ना, क्यों वो CO2 था बेटा। अब यहाँ पे सिंपल सी है, एक के लिए हम एटम यूज करते हैं, जायद के लिए मतलब एक से ज्यादा लोग एटम्स के लिए हम मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं। दिस इंडिकेट दैट 6.203 × 10³ ऑफ कार्बन वेट कितना होगा 12 ग्राम। तो 1 एटम ऑफ कार्बन कितना होगा, वही मेरे काम ऊपर जो यूनिटरी मेथड करा था, 1 कितना होगा 44 नीचे आके डिवाइड हुआ था ना ऊपर, बेटा यहाँ देखिए कि 12 ग्राम है तो 6.02 नीचे आके डिवाइड हो गया ना बेटा। अब बेटा क्योंकि ग्राम है, ग्राम की होती है प्रीफिक्सेस, ग्राम होता है एक प्रीफिक्सेस, ठीक है, यूनिट नहीं है। यूनिट हमारे पास क्या होती है, केजी होती है। हम जितने भी घर में सामान हमारे घर में आते हैं वो किलोग्राम के जरिए आते हैं बेटा, ग्राम के जरिए नहीं आते। तो बेटा ग्राम की यूनिट होती है, ग्राम की वैल्यू होती है, ग्राम की वैल्यू यहाँ देखिए बेटा क्या है 10 की पावर, सॉरी यहाँ पे 6.02 × 10²³ जो था ना उन्होंने ऊपर कर दिया, क्यों ऊपर कर दिया बेटा, यहाँ देखिए 23 प्लस है, नीचे देखिए और से प्लस है ना, छोटा लिखा हुआ जरा और से देखिएगा प्लस है, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा बेटा, वो माइनस हो गया वो, ठीक है। अब देखिए बेटा आपने क्या करा कि इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड कर दिया, 12 को मल्टीप्लाई 12 × 10²³ को आपने डिवाइड करा 6.02 से, तो आपके पास आंसर आया 1.983 × 10²³ ग्राम, ठीक है बेटा, ये आपके पास ग्राम में आंसर हो गया। मास ऑफ 1 कार्बन आप क्या लिखोगे, इसके बराबर होगी, ये हमारे पास पूरा आंसर है। लेकिन अगर आपको ये मेथड मुश्किल लग रहा है तो आप फॉर्मूला मेथड से भी कर लें, बाय यूजिंग फॉर्मूला मास ऑफ 1 एटम एटॉमिक मास इन ग्राम डिवाइड बाय 10, ठीक है। ये आपके पास मास ऑफ 1 एटम का फॉर्मूला, ऊपर वाला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला था बेटा, फॉर्मूला डिफरेंट है जरा देख लिएगा। एटॉमिक मास इन ग्राम, एटॉमिक मास ग्राम में कितना होता है हमारे पास 12 ग्राम होता है, एन ए की वैल्यू इतनी होती है, इन दोनों को सिंपल डिवाइड करा तब भी आंसर ही आ रहा है। इजी जो मेथड लगे आप लोग कर लिएगा, क्लियर? ओके मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन ग्राम, वही वाला सवाल पहले कार्बन का था, अब उन्होंने वाटर का दे दिया है। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो नंबर 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल वाटर में 18 ग्राम होते हैं। अभी 18 ग्राम पता है ना बेटे कैसा है, 2 हाइड्रोजन के एटम तो प्लस 16 प्लस 2 18, और 1 मोल में कितना होता है 6.02 × 10²³ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके अब अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो 1 मोल में 6.02 × 10²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O वेट 18 ग्राम है,
वन मॉलिक्यूल ऑफ वेट कितना होगा, 18 डिवाइड बाय 6.0 टू 10 की पावर 23। ठीक है, 18 डिवाइड बाय 6.0 टू 10 की पावर 23 हो गया। तो बेटा आप क्या करोगे, देखो 10 की पावर 23 है, 10 की पावर 23 है, इसमें इस वैल्यू को आप ऊपर लेके चले जाओगे। जब इस वैल्यू को ऊपर लेके जाओगे तो ये प्लस साइन माइनस में शिफ्ट हो जाएगी, वही वाला काम ऊपर वाला किया, दोनों को डिवाइड करा तो 2.90 आंसर आया। बेटा अब इसको अगर फॉर्मूला मेथड से किया जाए, तो देखिए बेटा क्या होता है, फॉर्मूला मासिंग रैम डिवाइड बाय एरे, वही ऊपर वाला फॉर्मूला मैंने यूज करा। ठीक है ना बेटा, एटॉमिक मास लिखो चाहे यहाँ पे फॉर्मूला में एटॉमिक मास था, यहाँ फॉर्मूला मास, बेटा दोनों तरीके से बात एक ही है। मास ऑफ वन एच टू कितना बराबर होता है, देखिए बेटा 18 ग्राम है मास है ना, 18 ग्राम डिवाइड बाय ये 2.90 आ गया, तब भी आंसर देखिए बेटा दोनों जगह से सेम है। अब आपको जो आंसर जो मेथड टेबल लगे आप लोग वो कीजिए, मेरा काम था आप लोगों को दोनों मेथड से समझाना। पेपर में कोई इतने लॉजिक्स क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल यही आएंगे और अक्सर यही वाली प्रॉब्लम सारी होती है, सिर्फ वैल्यूज को आगे पीछे कर देते हैं। ठीक है बेटा, आप लोगों ने ये वर्क की कॉपी में करना है, प्रॉब्लम नंबर की ऐसी हैंडिंग आनी है। आप लोगों को मैं ये नहीं कह रही कि खुद अपने पास करें, आप लोग देख के करो कहीं से भी करो, लेकिन बेटा आप लोगों को समझ में आना चाहिए क्योंकि एग्जाम्पल है, सबको पता है कि नजर आ रहा है क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, इसलिए बेटा आप लोग खुद से करोगे तो मुझे ज्यादा बेटर लगेगा, अदरवाइज आप लोग जैसे भी कर सकते हो, मेरा काम है आपको समझाना और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। सही है बेटा, आप लोगों की समझ में आई। और हाँ बेटा, ये डॉक्यूमेंट फाइल आप लोगों को अपलोड भी हो जाएगी, ये जो आप लोगों को नजर आ रही है आप लोगों को मिल भी जाएगी। ठीक है बेटा, तब के लिए हमारा लेक्चर नंबर 9 खत्म हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।